पेश है हिंदी जबान में अपडेट। भारतीय सशस्त्र बल स्वतंत्रता की आवाज को मौन करने के लिए व्यापक कासो तथा छापों के मध्य कश्मीरियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। भारतीय पुलिस ने अपने हाल की गिरफ्तारियों की कार्रवाई में बारामूला के कम से कम 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की अवैध कार्रवाइयों का लक्ष्य स्वतंत्रता प्रेमी कश्मीरियों को आतंकित तथा भयभीत करना है। PSA तथा UAPA जैसे काले कानूनों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में लोगों की अवैध नजरबंदियों के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में राजनीतिक कारकुनों, मीडिया के व्यक्तियों, मानव अधिकार संरक्षकों, यहाँ तक के साधारण कश्मीरियों को झूठे केसों में फंसाया जाता है। इस प्रकार की अवैध कार्रवाइयाँ कश्मीरियों को दमित करने में मोदी शासन की निराशा को अभिव्यक्त करती हैं। राजनीतिक रूप से की जा रही गिरफ्तारियों का स्पष्ट लक्ष्य भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता की आवाज को कुचलना है। अवैध गिरफ्तारियां भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में भारतीय राज्य आतंकवाद का प्रत्यक्ष प्रमाण है। मोदी शासन कश्मीर विवाद के समाधान के सभी शांतिपूर्ण उपायों को नष्ट करने पर तुला हुआ है। भारत की यह दमन कार्रवाइयां कश्मीरियों को स्वतंत्रता की उपलब्धि से नहीं रोक सकती। भारत को निर्दोष कश्मीरियों के विरुद्ध निरंतर आक्रमणों के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। विश्व मानव अधिकार संगठनों को भारत द्वारा अवैध रूप से अधिकृत जम्मू कश्मीर में अवैध नजरबंदियों का नोटिस लेना चाहिए।